हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल सिविल इंजीनियर अभिषेक त्यागी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि प्रोसेस ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। जब भी हम रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता देते हैं। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है बनियास इंफ्रा डेवलपमेंट एंड विला, फेस वन एंड फेस टू, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स 1500 विला का मतलब 1500 ऐसे ही एक एक बिल्डिंग, जिसका एरिया है 30 मीटर बाई 30 मीटर, ठीक है। ऐसे 1500 विला हम तैयार कर रहे हैं और साथ के साथ आपका इंफ्रा वर्क भी चल रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारी कंपनी का नाम है ट्रोजन जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग LLC, जो कि अबू धाबी में है, जिसका हेड ऑफिस आपका मुसफ़ा में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप ये देख रहे हैं, ये लास्ट लेयर है, ये हमारा एस्फाल्ट का लेयर है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं कि सब बेस तैयार करते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग रोड बनाते हैं तो इसका सब बेस तैयार करते हैं, ठीक है फ्रेंड। सब बेस तैयार करने के बाद क्या हुआ, सब बेस तैयार करने के बाद हम लोग कर्व स्टोन यहाँ पर इंस्टॉल किए, देख सकते हैं आप। इसमें आपका पार्किंग का भी कर्व स्टोन है, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने ये पार्किंग का कर्व स्टोन लगा है, ये पार्किंग एरिया है पूरा, जो आपका रेक्टेंगुलर शेप में है। प्लस ये जो कर्व टाइप में मुड़ा है, ये आपका गार्डन है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से ये आपका सामने विला का मेन गेट है, सामने विला का मेन गेट है। और यहाँ से अगर कोई व्हीकल जाना हो, लेके जाना हो, कार हमारी लेके जानी हो अंदर, तो उसके जाने के लिए ये इतना रोड छोड़ा गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सब बेस तैयार करते हैं, सब बेस तैयार कर लिए, सब बेस के बाद कर्व स्टोन को इंस्टॉल करते हैं। कर्व स्टोन इंस्टॉल करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है, वो होता है लेइंग ऑफ सबग्रेड। सबग्रेड की लेइंग करते हैं। सबग्रेड में क्या होता है फ्रेंड्स कि छोटे छोटे एग्रीगेट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और सबग्रेड आपको हम दिखाते हैं अभी, देखिए फ्रेंड्स, ये जो सामने दिख रहा है ना, ये आपका सबग्रेड है, यही सबग्रेड हम लेइंग करते हैं। किसके ऊपर? सब बेस के ऊपर। सब बेस में क्या होता है आपका सॉयल होता है, जैसे वो सॉयल है, ठीक, वो सब बेस तैयार करते हैं। उसके बाद से सबग्रेड, आपका सबग्रेड जो लेइंग करते हैं फ्रेंड्स, इसकी थिकनेस हम लोग यहाँ पर 200 mm ले रहे हैं, ठीक है ओके। तो 200 mm हमने क्या किया, सबग्रेड लेइंग कर दिया। अब सबग्रेड लेइंग के बाद इसका कॉम्पैक्शन करेंगे, ठीक है। कॉम्पैक्शन किया, फिर इसका कॉम्पैक्शन टेस्ट हमारे लेबोरेटरी वाले आकर इसका कॉम्पैक्शन टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद से जब हमारा ये इसका कॉम्पैक्शन पास हो जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है एस्फाल्ट का। जैसे कि आप देख सकते हैं, एस्फाल्ट डालने से पहले फ्रेंड्स, एस्फाल्ट की लेइंग से पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है आपका जो हम लोग सबग्रेड बिछाए रहते हैं, सबग्रेड की लेइंग किए रहते हैं ना, तो उसके ऊपर डायरेक्ट एस्फाल्ट की लेइंग नहीं करते हैं, उसके ऊपर कोल तार लगाते हैं एंड बिटुमिन का छिड़काव करते हैं, ठीक है। हॉट बिटुमिन होता है, ठीक है। बिटुमिन के बारे में तो बता चुका हूँ आपको कि टू टाइप्स की बिटुमिन होती है, कोल्ड बिटुमिन एंड हॉट बिटुमिन। कोल्ड बिटुमिन आपका मोस्टली विला में एंड होम कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होता है, जैसे वाटर प्रूफिंग के लिए, और हॉट बिटुमिन अक्सर यूज होता है हमारे रोड वर्क में, ठीक है, रोड डेवलपमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें, ठीक है। तो इसके ऊपर कोल तार हमने स्प्रे करवाया है, ठीक है फ्रेंड्स, बिटुमिन
इसको स्प्रे करवाने के बाद तब आपका नेक्स्ट स्टेप होता है एस्फाल्ट का। जैसे आप देख सकते हैं सामने एस्फाल्ट की लेइंग हो चुकी है, ये आपका टेन mm जो है एस्फाल्ट इसमें आप लोग लेइंग किया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका एस्फाल्ट हो गया, एस्फाल्ट की लेइंग कर देंगे। एस्फाल्ट की लेइंग करने के बाद आपका ये रूट हमारा फाइनल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी चैम्बर है फ्रेंड्स। इसके बाद भी आपका 5 mm जो है, सॉरी 50 mm यानी कि वो जो कर्व स्टोन दिख रहा है उसके टॉप तक, ये जो आपका दिख रहा है चैम्बर, इसके टॉप तक आपका फाइनल लेयर बिछाएंगे हम लोग। ठीक है, फाइनल लेयर इस पर लेइंग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा रूट ये फाइनल हो जाएगा। ठीक ना फ्रेंड्स, फिर वही प्रोसेस होगा, कॉम्पैक्शन, PTR। ठीक है, एस्फॉल्ट की जितनी भी PTR होती है फ्रेंड्स वो अलग होती हैं, और आपकी जो सॉइल कम्पैक्शन की यानी सबग्रेड एंड सबबेस जब तैयार करते हैं तो उसके ऊपर जो PTR चलाते हैं हम लोग वो अलग होता है। ठीक ना, दोनों में अलग डिफरेंस होता है, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ओके, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।